मॉर्निंग गाइस, आज तारीख है 24 नवंबर 2022 और टाइम हो गया आपका 11:20। ये देखिए मैं हूँ अभी सेलेक्ट सिटी वॉक। अभी मैंने अपने पर्सनल कस्टमर कर दिया ड्रॉप। आज मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, तो फिर भी मैं आ गया काम पे। मैंने कहा चलो करते हैं थोड़ा बहुत, अगर घर बैठ जाऊँगा तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो देखता हूँ अभी थोड़ी देर में, अगर ट्रिप बैठ जाती है किसी अच्छी से हॉस्पिटल से जाके दवाई लूँगा, उसके बाद फिर आप करूँगा काम। तो अभी देखता हूँ, ओखला ओखला की ट्रिप मिल गई तो मैं ओली फैमिली से जाकर के दवाई ले लूँगा, उसके बाद काम करूँगा। अगर तबीयत ठीक रही तो सारे दिन, नहीं तो मैं घर भाग जाऊँगा जल्दी। तो देखते हैं, कल भी मेरी अर्निंग हो गई थी ठीक ठाक। कल 2-3 बजे के बाद ही मेरे पास ट्रिप आई थी ओला उबर में, उसके बावजूद भी मैंने 9 बजे तक काम कर लिया था 2200-2300 रुपये का, और जो पर्सनल काम किया था वो अलग किया था। कोई बात नहीं, रात को मैंने अपनी गाड़ी में गैस फिलअप करा ली थी फुल 800 रुपये की। अब गाड़ी में रात को गैस डलाई थी मैंने, अब देखते हैं कब तक चलेगी गैस, कितने किलोमीटर चलेगी वो भी बता दूंगा आपको। चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाय गाइस, टाइम हो गया 1:00, 1:07 हो गए। मैं हूँ अभी खिड़की एक्सटेंशन, मेरे पास अभी सेक्टर 62 की बुकिंग आ गई है। इस बुकिंग को मैंने लोकेशन लगा दी थी घर की, काफ़ी देर से मैंने अपनी गो किट कैटेगरी बंद कर रखी थी। अभी 15-20 मिनट पहले मैंने चालू करी तो एक ट्रिप मिल गई मेरे को नोएडा की। मैंने कहा अब घर ही जाऊँगा, यहाँ से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, जाके दवाई ववाई लूँगा, उसके बाद देखता हूँ काम पे। शाम को अगर ठीक हो गया तो देखता हूँ निकलूँगा या फिर नहीं निकलूँगा। वैसे तो मैं आज छुट्टी कर लूँगा, कल शुक्रवार का दिन है, कल निकल जाऊँगा टाइम से घर से और कल गाड़ी चलाऊँगा। चलो कभी कभार रेस्ट भी लेना ज़रूरी है और ये सब रहता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर छुट्टी मतलब कम ही करता हूँ मैं। अगर आप एक बार बैठ जाते हो ना तो बार बार फिर आपका शरीर काम भी नहीं करता। मेरा ज़्यादातर होता है कि यार कैसे भी करके मैं गाड़ी चला ही लूँ। तो चलो मैम आ गई है सामने, चलो निकलते हैं नोएडा के लिए। मैं जा रहा हूँ अपने घर को, मेरी होगी थोड़ी तबीयत ख़राब, थोड़ा फीवर सा भी लग रहा है मुझे। आप मेरी शक्ल देख के ये अंदाज़ा लगा सकते होंगे और आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 3:30 हो गए हैं। अभी देखो मैं हूँ अभी सेक्टर 71, अपने घर ही जा रहा हूँ सीधा खाली। वहाँ से आ गया था मैं, बुकिंग छोड़ दी थी तकरीबन 2 बजे। वहाँ के आने के बाद क्या हो रहा था मेरे साथ, मेरी गाड़ी में ना वो दिक्कत थी कि लाइट रात को ना बाहर ब्लॉक शूट करता था तो नॉइज़ आती थी बहुत सारी आवाज़ आती थी इधर उधर की, डिस्टर्ब होता था। इसलिए मैंने अभी मैंने स्टैंड लिया एक बढ़िया सा और अपनी गाड़ी में आके लाइट लगवाई है, वो आपको दिखा दूंगा वीडियो में। वो सब चीज़ें रहती हैं। अभी मैं अपने घर को जा रहा हूँ, आज मेरे ज़्यादा काम हुआ नहीं। मैंने एक ट्रिप की थी जो अपने मेरे पर्सनल कस्टमर थे उनको ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद वहाँ तकरीबन मैं 1 घंटा बैठ रहा। मैंने लोकेशन लगा रखी थी नोएडा की और गो की ट्रिप बंद कर रखी थी। जैसे ही मैंने गो की ट्रिप चालू करी उसके 10 या 15 मिनट बाद मेरे पास ट्रिप आ गई थी, सेक्टर 62 के पास की थी। 20-22 किलोमीटर का ड्रॉप था, मुझे अर्निंग हुई है उस ट्रिप में 300 रुपये की और 120 रुपये का टोल मिला है, 288 की अर्निंग है और 120 का टोल यानी 408 रुपये मिले हैं। राइडर का फेयर बनाता 558 रुपये, 57-58। तो उसमें भी देखा जाए तो 140 रुपये के करीब कंपनी ने ले लिए, जो कि बहुत ज़्यादा कमीशन कहूँगा मैं तो, क्योंकि ये कमीशन इतना है नहीं। क्योंकि अगर आप देखा जाए, अगर 25% के हिसाब से आप देखोगे ना तो आपका ये लगा लीजिए कि 520 की ट्रिप होती तो 300 रुपये मेरे को वो मिलना चाहिए था, 120 रुपये का तो टैक्स अलग ही हो गया। तब जा करके अभी ये 30-40 रुपये ज़्यादा किए भी है और पैसे भी कम मिले, यानी कि 30-32% कमीशन काट लिया है कंपनी ने। तो वो सब चीज़ें रहती हैं। अब आज मैं मेरा काम करने का मूड भी नहीं था, कल भी मेरी तबीयत ख़राब डाउन ही सी थी, काम थोड़ा हो रखा है मुझे। और अभी जा करके मैं दवाई लूँगा, उसके बाद में
सीधा घर ही चला जाऊंगा। पॉली फैमिली हॉस्पिटल मैंने बात की थी उस टाइम 11 बजे कॉल किया था मैंने हॉस्पिटल को, मैंने कहा किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो क्या हुआ कि वहाँ पर 11:30 बजे तक ही डॉक्टर बैठते हैं, तो इसके चलते फिर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आज मेरे यहीं पर मैं रहता हूँ, वहीं पर एक भैया है डॉक्टर है वो तो अच्छे हैं, उनसे अभी कभी कभार मैं दवाई ले लेता हूँ, जान पहचान भी अच्छी है मेरी, तो अभी जाऊँगा अभी उन्हीं से जा करके दवाई लूँगा। पहले तो जा करके जो भी होगा वो इंद्रपुरम रहते हैं और हमारी कॉलोनी में ही वो दवाई क्लिनिक है उनका, तो अभी देखता हूँ उनसे पूछूँगा कुछ इसका इलाज करो। और तबीयत मेरी बार बार ख़राब हो जाती है, जुकाम हो जाता है, क्या है क्या नहीं है वो सब चीज़ें उनसे पूछूँगा। सॉरी मैंने आज काम नहीं किया इसके लिए। और मैं देख रहा हूँ आजकल 2-3 दिन 4 दिन से रोड पर थोड़ा काम डाउन हो गया है मेरे हिसाब से देखा जाए तो, मैंने नोटिस किया है 3-4 दिन से, मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ काम नहीं था दो दिन मैंने दोनों वीडियो बनाई है, तो दोनों दिन बोला है मैंने कि रोड पर काम है नहीं, पर उसके बावजूद भी मेरा काम हो गया है, ठीक हो गया है, ठीक ऐसे करके मैंने बताया आपको। आज पता नहीं बात क्या है, इसकी वजह क्या हो सकती है, पर अभी एक तो मंथ एंड चल रहा है, मंथ एंड में क्या होता है लोगों के पास पैसे खर्च हो जाते हैं तो लोग मे बी कम बुकिंग करते हैं, अब जब 4-5 तारीख को 2 तारीख को उनको सैलरी मिल जाती है तो दोबारा से लोग फिर से पैसा आ जाता है जेब में, तो खर्च करने लग जाते हैं, जब इंसान की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो खर्च कहाँ से करेगा, वो भी चीज़ रहती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी काम तो डाउन है ही पर फिर भी क्या करें, अप डाउन तो चलता ही रहता है, रोज़ाना 4-4 हज़ार रुपये का काम करोगे तो फिर कभी 2 हज़ार का भी तो करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि रोज़ाना आप 4 हज़ार का करते रहो और फिर 2 हज़ार का आओगे तो रोएंगे कि यार ये क्या हो गया, काम नहीं है, फलाना है ढमकाना है, फिर कंपनी को गाली देंगे, अरे भैया जी बिजनेस है, काम है, वो सब चीज़ चलती रहती हैं। 12 महीने थोड़ी बिजनेस चलता है, कोई भी बिजनेस नहीं चलता 12 महीने, तो बहुत कम ऐसे वो है, डॉक्टर की दुकान भी 12 महीने नहीं चलती, चलती है 12 महीने पर सीज़न होता है, जैसे डेंगू का आ गया फिर गर्मी में आ गया, वैसे तो सीज़न उनका चलता रहता है डॉक्टरों का भी, पर लेकिन फिर भी एक होता है कि एक टाइम के पे जब बीमारियां नहीं होती हैं तो उस टाइम पे भी चाहे हॉस्पिटल हो चाहे गाड़ी का काम हो चाहे आपका बिजनेस हो चाहे किसी भी चीज़ का काम हो वो एक सीज़न पे ही चलते हैं अपना, सबका हमेशा कोई ना कोई सीज़न होता है हमेशा, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। तो चलो मैं तो अपने घर जा रहा हूँ और सॉरी मैंने आज अपना ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं किया और अब मैंने स्टैंड ले लिया बढ़िया तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपको वीडियो बनाऊंगा दिखाऊंगा। अभी थोड़े दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि आईफोन लेने वाला हूँ, अब देखता हूँ कौन सा आईफोन लूँ, 12 या 13, 14 तो मेरे बस से बाहर है, थोड़ा पैसा महंगा है तो देखता हूँ अभी क्या करें। एक मेरे सऊदी वाले भाई हैं, उन्होंने वैसे आईफोन ले लिया, कह रहे तुम ले लेना उसको, वो आईफोन एक्स लिया है उन्होंने, थोड़ा सा पुराना है हल्का सा तो एकदम नया है, पर लेकिन तो मैंने कहा वो बोल रहे हैं कि तुम ले लेना कोई बात नहीं, वो तो जनवरी में आएंगे तब तक मैं इंतजार देखता हूँ होता है नहीं होता है, या फिर उससे पहले जनवरी से पहले आईफोन ले आता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो में थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही और मैं अभी थोड़े दिनों में मेरा सिस्टम ख़राब चल रहा है घर वाला, तो इसीलिए मैं अब सिस्टम पर वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, अभी थोड़े दिनों में सिस्टम पर वीडियो बनाया करूँगा प्रोफेशनल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अच्छी रिकॉर्डिंग करूँगा, और इसीलिए मैंने स्टैंड लिया है और इसीलिए मैंने लाइट लगवाई है, देखो आपको दिखाऊंगा अभी जल जाएगी, ये देखो आ रही लाइट, अब रात को आएगी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए आपके लिए मैं भी मेहनत करता हूँ, ये सब चीज़ें किसके लिए, पहले तो सब कुछ ठीक था, बढ़िया लाइट जल रही थी, बढ़िया आती थी, तो ये भी चीज़ रहती है कि यार मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, भर दिया करो, आप वीडियो देख के छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा, लाइक किया करो पहले उसके बाद में कमेंट किया करो, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी वो बताया करो, जो भी आपका सवाल है वो भी भेजा करो, संडे टू संडे आपको आपका सवाल मेरा जवाब, वो भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी आती रहेंगी। और मेरे एक जो सब्सक्राइबर भाई हैं सलीम भाई, तो वो भी आने वाले हैं दिल्ली, उनके साथ एक वीडियो शूट करूँगा, एक और है मेरे कन्नौज के भाई, उनके साथ भी मैं एक वीडियो शूट करूँगा, उन्होंने डीआर ली है, उन्होंने वैगनर ली है, एक हमारे प्रदीप भाई है फरीदाबाद से, उन्होंने भी डीआर ली है, तो अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा उनके, प्रदीप भाई तो ये फरीदाबाद में रहते हैं, मुझे टाइम मिलेगा तभी उनके साथ व्लॉग शूट करूँगा, वो रात को चलाते हैं गाड़ी, कह रहे थे मेरे को ट्रैफिक में चलाने की ज़्यादा वो नहीं है, शाम को 6 बजे करीब निकलते हैं, रात को चलाते हैं और दिन में अपना ऑफिस करते हैं, तो वैसे भी लोग करते हैं, अब जिसको पैसा कमाना होगा वो कहीं ना कहीं से अपना दिमाग लगाएगा, एफर्ट लगाएगा, और जिसको देखो कंपनी को ब्लेम करना है,
किसी लोगों को ब्लेम करना है वो तो वो लोग तो करेंगे करेंगे, उन लोगों का कुछ कुछ नहीं, आपका कोई भी कोई कुछ नहीं कर सकता। हमेशा आप जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों पे ब्लेम डालने वाले हैं वो तो डालेंगे ही डालेंगे, और कोई डाले या ना डाले। मैं अभी पड़तला से आगे यू टर्न लिया है मैंने, ये यही पे मेरा घर है पास में ही, तो अभी मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो एंड में यही बोलूंगा मैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी देखता हूँ डॉक्टर के पास जाऊँगा तो थोड़ा उसको भी क्लिप में ऐड करूँगा, ये देखो यार डॉक्टर साहब ने क्या इंजेक्शन लगाया मेरे क्या दवाई दी क्या बोला, देखता हूँ मैं क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे वो भी मैं वीडियो बता दूँगा आपको। सॉरी, थैंक यू। मैंने अभी दवाई ले ली है अपनी, अब तो मैं काम पे जाऊंगा नहीं, अब जाऊंगा देखता हूँ कल सुबह निकल जाऊंगा, जो पर्सनल कस्टमर है उनको छोड़ूंगा ड्रॉप करूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा कल काम पे। चलो ठीक हो जाते हैं जल्दी जल्दी से, फिर करेंगे काम डेली डेली। वैसे भी काफ़ी दिनों से मेरी छुट्टी भी नहीं हुई थी, आज कुछ ज़्यादा खासा काम हुआ नहीं। 1000 रुपये की तो 1000 रुपये काम हो गया मेरा, 1800 रुपये 600 रुपये जो मेरे पर्सनल कस्टमर, और उधर से 408 रुपये उधर से मिल गए, तो 1000 रुपये का काम हो गया। और CNG लग गई होगी मेरी तकरीबन 200 रुपये की लग गई होगी आराम से, मे भी 200 रुपये तो लग गई होगी, 200 रुपये का टोल और टैक्स, तो 500 रुपये तक का हो गया। कुछ पैसे डॉक्टर जी को भी दे के आ गए, डॉक्टर साहब को, तो कोई बात नहीं, चलो कल अर्निंग करेंगे ठीक से और पैसा कमाएंगे। बाय बाय।